इनफाइनाइट लूप में बनते हैं, क्योंकि वो चलते ही जाते हैं। प्रोसेसर कब रुका? प्रोसेसर आपका चलता ही रहेगा। रैम इनफाइनाइट लूप में बना, रोम आपके इनफाइनाइट लूप में बना, तो हार्डवेयर सारे इनफाइनाइट बने, और सॉफ्टवेयर में जानबूझ के कंडीशन डाली जिससे वो एक समय रखे रुक के जाए, और भगवान ने हमारा भी कंडीशन बना के रखा है, एक दिन तो रोकोगे, ठीक है। भगवान ने भी कंडीशन सेट करके भेजा, पूरी हुए तो बस खत्म, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर और वाइल्ड, दो लूप क्या होता है, पाइथन में रहता है। जो लोग ध्यान रखना सीसी प्लस प्लस के, उनके लिए ये लूप नई नहीं है, जिन्हें नहीं किया मैं उनको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें हर जगह आपको मिलेगी। फॉर लूप का काम ध्यान रखिएगा, ये आपकी सीरीज प्रिंटिंग के लिए सर्वाधिक लूप होता है। हमें अगर कोई भी काम सीरीज सीरीज वाइज करा है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। सीरीज मतलब एक न्यूमेरिक सीरीज हमें प्रिंट करानी है, हमें पूरी एम्प्लॉयज की लिस्ट को प्रिंट कराना है, हमें जैसे क्या करना है, एक बहुत बड़े डेटाबेस को प्रिंट कराना है, डेटाबेस में सर्चिंग का काम करना है, यानी सीरीज में जहां हमें वर्क करना है हम फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। और सीरीज का प्रैक्टिकल एग्जांपल आपका एग्जाम के रिजल्ट्स जो आते हैं, पूरा सीरीज रहता है, कितने बच्चे बैठते हैं, कितने रोल नंबर्स रहते हैं, कितने पास हो गए, कितने फेल हो गए, वो पूरा सीरीज में काम चलता है। तो सीरीज के लिए सबसे बेटर किसको माना गया, फॉर, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर एक ग्रुपिंग स्टेटमेंट में तीन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग, जहां से लूप क्या होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद होगा कंडीशन, कंडीशन मतलब जहां पे आपका लूप जाके एंड होगा, और ये चेक पॉइंट भी है, ठीक है। बार बार चेक होता रहेगा कि एंड पॉइंट में पहुंचा तो नहीं, ठीक है। जैसे पुराने कहानियों में कहा जाता है ना कि भगवान चेक करता रहता है, कई समय पूरा तो नहीं हो गया, अगर समय पूरा हो गया तो एंड पॉइंट में पहुंच गया, निकल गए। और तीसरा क्या रहता है, इंक्रीमेंट हमने डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या डिसाइड करता है, लूप को बढ़ते क्रम में ले जाना है या